Xiaomi ने लॉन्च कर दिए इसके दो नए स्मार्टफोन चाइनीज मार्केट में, Redmi 5 और Redmi 5 Plus नाम करके, जहां पे आपको मिलता है 18:9 वाला फुल व्यू इनपुट टाइप डिस्प्ले और भी बहुत सारे अच्छे स्पेक्स। ये दोनों फोन Xiaomi का सबसे पहला फोन है जहां पे आपको 18:9 वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। और एक रिपोर्ट ये कहता है कि ये दोनों फोन इंडिया बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इन्हीं दोनों फोन के डिटेल, स्पेसिफिकेशन, प्राइस और इंडिया के अवेलेबिलिटी, और लास्ट में क्या है मेरे ओपिनियन इस फोन के रिगार्डिंग। सो गाइस, दिस इज योर होस्ट सौम्य एंड यू वाचिंग टेक विजेट। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर सबसे पहले इन दोनों फोन्स के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों फोन्स के अंदर कुछ सिमिलर स्पेक्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको प्रोसेसर और स्क्रीन साइज में स्लाइटली डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर सबसे पहले डिस्प्ले की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको Redmi 5 के अंदर मिलता है 5.7 इंचेस की फुल व्यू इनफिनिटी टाइप डिस्प्ले, जिसका रिजोल्यूशन है HD प्लस यानी कि 720x1440 रिजोल्यूशन। यहाँ पे आपको मिलते हैं 282 पिक्सल्स पर इंच। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलता है Redmi 5 प्लस के अंदर एक फुल व्यू इनफिनिटी टाइप डिस्प्ले, जिसका साइज है 5.99 इंचेस की। यहाँ पे आपको मिलता है फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन यानी कि 2160x1080 पिक्सल्स। इसका पिक्सल पर इंच काउंट है 403। अगर हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पे आपको Redmi 5 के अंदर देखने को मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 450 SoC, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। यहाँ पे आपको मिलता है 1.8 GHz की क्लॉक स्पीड। इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा Adreno का 506 GPU। यहाँ पे आपको मिलते हैं दो तरह के RAM और स्टोरेज ऑप्शन, जिसमें से पहला है 3GB RAM प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन, दूसरा है 2GB RAM प्लस 16GB इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन। दूसरी तरफ आपको Redmi 5 Plus के अंदर देखने को मिलेगा Qualcomm का सबसे मोस्ट स्टेबल प्रोसेसर, जो है Qualcomm Snapdragon 625 का प्रोसेसर, जो कि एक ऑक्टाकोर CPU है। यहाँ पे आपको 2GHz की क्लॉक स्पीड मिलता है और Adreno का सेम 506 GPU आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आपको मिलते हैं दो तरह के RAM और स्टोरेज ऑप्शन, जिसमें से एक है 3GB RAM प्लस 32GB स्टोरेज का ऑप्शन और दूसरा है 4GB RAM प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन। यहाँ पे आपको सेम एक हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट भी मिलते हैं, जो दोनों ही फोन में कॉमन है। अगर कैमरा की बात करें तो आपको यहाँ पे दोनों ही फोन के अंदर सेम कैमरा स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको फोन की रियर साइड में देखने को मिलता है एक 12 MP का कैमरा, जिसका अपर्चर है f2.2 और पिक्सल साइज है 1.25 माइक्रोन। यहाँ पे आपको फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस का सपोर्ट भी मिलता है। और अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो दोनों ही फोन में आपको मिलता है एक 5 MP का वाइड एंगल सेल्फी कैमरा, जिसका अपर्चर है f2.2 और यहाँ पे आपको मिलता है एक सेल्फी फ्लैश। इन दोनों ही फोन के बैटरी कैपेसिटी स्लाइटली डिफरेंट है। यहाँ पे आपको Redmi 5 के अंदर देखने को मिलते हैं 3300 mAh की लिथियम आयन बैटरी, दूसरी तरफ Redmi 5 Plus के अंदर आपको देखने को मिलता है 4000 mAh लिथियम आयन बैटरी। ये दोनों ही फोन्स में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे Redmi 5 के बेस वेरिएंट जो है 2GB RAM प्लस 16GB इंटरनल स्टोरेज का, उसका प्राइस निकल के आता है 7880 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। दूसरी तरफ आपको इस फोन के 3GB RAM प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज का प्राइस निकल के आते हैं करीब करीब 8800 इंडियन रुपीज। सिमिलरली Redmi 5 Plus के बेस वेरिएंट 3GB RAM प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज का प्राइस निकल के आता है करीब करीब 9800 इंडियन रुपीज, और इसका जो 4GB RAM प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज का प्राइस निकल के आते हैं वो 12700 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। दोस्तों, ये दोनों फोन Redmi 5 और 5 Plus लॉन्च हुए आज यानी कि दिसंबर 7 को चाइनीज मार्केट में, और ये दोनों फोन सेल में अवेलेबल होंगे चाइनीज मार्केट में 12 दिसंबर से। और रिपोर्ट ये कहता है कि ये दोनों फोन बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। दोस्तों, ये थी Redmi 5 और 5 Plus की डिटेल, स्पेसिफिकेशन, प्राइस और अवेलेबिलिटी। अब बात करेंगे क्या है मेरे ओपिनियन इस फोन के रिगार्डिंग। देखिए दोस्तों, ये दोनों ही फोन एक कमाल का फोन है इस प्राइस ब्रैकेट को कंसीडर करते हुए। यहाँ पे आपको दोनों ही फोन्स के अंदर मिलते हैं एक बहुत अच्छे डिजाइन, जो कि 18:9 वाला फुल व्यू इनफिनिटी टाइप डिजाइन। यहाँ पे आपको अच्छे प्रोसेसर भी मिलते हैं। Redmi 5 के अंदर आपको मिलते हैं Qualcomm Snapdragon का 450 प्रोसेसर, जो कि एक यूनिक प्रोसेसर है, और तो Redmi 5 Plus के अंदर भी आपको मिलते हैं Qualcomm का मोस्ट स्टेबल Snapdragon 625 का प्रोसेसर। पर यहाँ पे आपको Redmi 5 Plus के अंदर Xiaomi को एक डुअल कैमरा देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे आपको पिछले साल की तरह सेम 12 MP का एक कैमरा मिलता है, जबकि आपको इस साल में और पिछले साल के अंदर बहुत सारे ऐसे फोन अभी लॉन्च हुए हैं जिनमें से आपको डुअल कैमरा फोन देखने को मिलते हैं रियर साइड में। तो अगर ये एक डुअल कैमरा फोन होता तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता। तो अभी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बहुत जल्दी इंडिया आ जाए और देखते हैं Xiaomi किस प्राइस रेंज में ये फोन इंडिया में लॉन्च करता है और ये किस तरह का परफॉर्मेंस दे पाता है। दोस्तों, ये थी कंप्लीट वीडियो Redmi 5 और 5 Plus के रिगार्डिंग। अगर आपको इन दोनों फोन के रिगार्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव हो आपके मन के अंदर, तो आप नीचे जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और लास्ट में मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूंगा। जय हिंद।